करके दूसरे प्लेयर को भी काफी ज्यादा लो कर दिया। बट आउट ऑफ द अदर साइड एक और अर्ली स्कोमेज में हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर बूट कैंप के रीजन पर आपको मिलेगी टीम GXR वर्सेस टीम गॉड लाइक। कोई भी प्लेयर अभी के लिए यहां पर डाउन नहीं है, कोई भी फाइट यहां पर अभी के लिए मिस आउट नहीं हुई है। ये एक्शन अभी शुरू होना बिल्कुल से बाकी है, बट नियो इज वेरी वेरी लो ऑन एचपी एंड ही नीड्स टाइम टू हील हिमसेल्फ एंड ही गॉट दैट टाइम। वहां पर पूरे तरीके से हील कर चुके हैं। क्लच गॉड एकेएम के साथ जब आगे जाते हैं तो बहुत यू नो अग्रेसिव स्टांस में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलें भी हो जाती है। बट इस बार मैं देखना चाहूंगा कितना टैक्टिकल मूव यहां पर टीम गॉड लेके आता है। ऊपर में शॉट के लिए जाएंगे एक्सैक्ट बट आउट शॉट मर्ड बट अल्ट्रोन एक्चुअली मिस डेड। उधर से यहां पर किसी का तो बहुत जबरदस्त कवर फायर आया, सी गॉड यू ब्यूटी, और साथ ही साथ यहां पर एक फॉलो डॉक कर देते हैं जिसके चलते मेरे को लगता है रॉक को भी यहां पर कनेक्शन मिल जाएंगे। फरारी पीक के चलते यहां पर पीक करना आसान होने वाला, बिकॉज़ दो से ज्यादा प्लेयर्स यहां पर पीक कर रहे हैं। एक्जेक्टली आपको चॉकलेट बॉक्स पीक देना इतना आसान होने नहीं वाला। रॉक यहां पर अभी के लिए डाउन हो जाएंगे। मैच क्रश को यहां पर सेवियर का रोल अदा करना पड़ेगा। एमजे बहुत ज्यादा पीसी है, पैक फुट पे ढकेली जा चुकी है यहां पर GXR की टीम। जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है फाइट्स में, जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैचेस में पॉइंट्स लेके जाना, GXR की टीम बूट कैंप पे हल्की सी पीछे हो जाती है। यहां पर एक अपर हैंड लेकर जाती हुई टीम गॉड लाइक इज लुकिंग रियली स्ट्रांग। हीलिंग्स उठा जरूर से, बट व्हाट डू यू थिंक गेम्स, यहां से डिसएंगेजमेंट GXR के लिए कितना अच्छा ऑप्शन हो सकता है? देखिए बन सकता है नो डाउट, क्योंकि अभी उनको चाहिए यहां पर काफी अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट, फिनिश पॉइंट आपको मिल जाएंगे नो डाउट, लेकिन अभी के लिए आपको फाइट डिसएंगेज अगर आप करें, क्योंकि 4v2 का सिनेरियो है। अगर शायद ये 3v2 होता तो बिल्कुल भी डिसएंगेज नहीं कीजिए, लेकिन अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा रॉक्स का दिन आज अच्छा नहीं आ रहा। पिछले गेम में अगर बात की जाए हमारे भी जो हम यहां पर कास्ट कर रहे थे वेकिल से जा रहे थे, रॉक्स को वहां पर टेक डाउन किया, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे रॉक्स का ही एक अर्ली एनिमेशन हमें देखने में, साथ साथ अल्ट्रॉन एंड काफी शानदार वो एक कवर फायर प्रोवाइड किया गया जी गॉड के द्वारा। क्लच गॉड तो आप समझ सकते हैं ऑफ गार्ड में वो बूस्टर वहां पर लेते हुए नजर आ रहे थे हमें, तो ठीक है वो कॉन्फिडेंस रहता है उनकी टीम की, कुछ सिनर्जी ही इस तरीके की, अगर ऑफ गार्ड पकड़े भी जाए तो मेरे पीछे मेरे प्लेयर्स हैं जो हल्की छोटी मोटी पीक्स को भी इस तरीके से यू नो रिटेलिएट कर सकते हैं कि उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रॉक्स वहां पर आई थिंक वहां पर पीक नहीं देना चाहिए था, जब आपको पता है 3 प्लेयर्स की नजर आपके ऊपर है। अब ओपन से आने वाली है 2v4 की फाइट, निकालते हमने GXR के प्लेयर्स को कई बार देखा है इस एरिया पर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपने बैग में कैरी करती है GXR की टीम। बट मैं देखना चाहूंगा कि क्या अच्छे थ्रोएबल्स हैं GXR के पास, बिकॉज अब जब आप 2v4 के क्लच में होते हो, आप आउट नंबर होते हो, तो ग्रेनेड्स काफी ज्यादा काम में आते हैं। और आप ग्रेनेड्स की बात करें, क्लच को यहां पर स्टन कर करके थोड़ा सा क्लच करना चाहते हैं। मैच क्लच की तरफ जाएंगे तो उधर से एमजे थोड़ा सा परेशान करेंगे, सी गॉड को नॉक कर चुके हैं। मुझे अभी भी लग रहा है यहां पर एमजे विल बी हैविंग अ डिसेंट चांस, लुक एट दैट, 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 लुक एट द